In the same way, you have to make the outlines with the green color also, जो sides में बनेगी. This way. आप ग्लास ग्रो कर दोगे यहाँ पर, इसको डार्क कलर से मैच कर दोगे. तो ऐसे रैंडमली आपका मिक्स हो जाएगा. तो जो आप इसका माउंटेन है, इसका पार्ट बनाओगे क्रिम्सन रेड और पर्शियन ब्लू से. इस तरीके से आपके माउंटेन्स ड्रॉ हो जाएंगे. और अब आपको सिर्फ हट की डिटेलिंग करनी बच रही है और इस वाले पार्ट की. तो आप हट की डिटेलिंग करोगे. बाद जो ये अपने स्काई के लिए कलर बनाया, इसको हल्का सा स्प्लिट कर दो. बाद आप इसको सेम वे आप ये वाली हट निकालोगे.
उसके बाद देखते हैं अपन ग्रीन कलर कर दोगे, मतलब यहाँ की हट को शेप दोगे उसके बाद ये वाला ग्रीन कलर करोगे। इसके अंदर आप यहाँ पर येलो कलर कर दोगे। इसे डिवाइड कर दोगे और यहाँ का जो पार्ट है इसको तरीके से बाद में स्प्लिट करके एंड वी आर गोइंग टू मेक द डिटेल्स ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। इस पार्ट को डार्क करोगे, then finally you are going to make them outlined on it.
And finally, you are going to make the outline of hut when it is completely dry. This way your drawing is complete. You have to color it in your book and send images to me.